आप सोचिए ये हमारी ताकत की धमकी कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि बच्चों को मेहनत करना सिखाना होगा, बेंगलोर और बीजिंग से मुकाबला है, तो हमने वहां तक भी पाया। पर इसी के साथ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, हमने कुछ चीजों को इग्नोर भी किया। हमने आईआईटीज बनाई, एम्स बनाया, आईएम्स बनाए, नई टेक्नोलॉजी, नए एनवायरमेंट में हम तेजी से आगे बढ़े, पर देर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारी थी और हमसे खोती चली गई। यू रिमेंबर जस्ट 50-60 ईयर्स बैक ऑन द इश्यू ऑफ एग्रीकल्चर व्हाट वाज सेड, अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो, गाय के गोबर से कोई खेती होती है? गो फॉर मैकेनाइज्ड फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी। आज क्या हुआ 50 साल के बाद? गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, आ गए गाय के गोबर पे। और वो हमारा था, हमारा मजाक उड़ाया था 50 इयर्स बैक जब कहते थे आयुर्वेद की बात, अरे फूल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है? बी साइंटिफिक, गो फॉर टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन, न्यू मेडिसिन। आज क्या कहते हैं? गो फॉर हर्बल मेडिसिन। ये हमसे खो गया या खोते जा रहे हैं। जस्ट 50-60 इयर्स बैक जब हम ये कहते थे पेड़ की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, नदी की रक्षा करो, तो व्हाट वाज सेड? दिस इज द रिमिनिसेंस ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। यही एलिगेशन था ना। एंड नाउ फ्रॉम रियो डी जेनेरो ऑफ 1992 टू कोपेनहेगन ऑफ 2009 टू पेरिस ऑफ 2016, अब आप क्या कह रहे हैं? पेड़ की रक्षा करो, नदी की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो। ये हमारा था और हम उसको छोड़ते चले गए। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू से देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे पास बहुत कुछ थी और हमने बहुत कुछ खोया। अनदर एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल, रिमेंबर दैट जस्ट फ्यू मंथ्स बैक शी जिनपिंग वॉज हियर इन इंडिया एंड ही वॉज देयर इन महाबलीपुरम। यू नो व्हाट वॉज द कनेक्शन ऑफ महाबलीपुरम विथ चाइना? वहां पर एक पल्लव डायनेस्टी के एक बहुत बड़े किंग थे। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड हिज नेम बिकेम बोधिधर्मा एंड ही वेंट टू चाइना एंड ही बिकेम द पैट्रियार्क ऑफ द जेन बुद्धिज्म बाय द नेम दामो इन चाइना and subsequently 90-95% of the China become follower of Buddhism at one point of time, for which one of the very prominent Chinese thinker, philosopher of 40s and 50s, who she has said that India has culturally dominated and controlled China for more than 2000 years without sending a single soldier across the border. This was the connection of Mahabalipuram to China. We forgot. One more thing I would like to remind. What was our capability? In the first non-alliance summit, the then president of Indonesia, Ahmad Sukarno, which is the biggest Muslim country in the world, has come to India. When he was returning, the return gift was given by Pandit Nehru. Then he asked for another gift. Then it was asked, kya chahiye aur? Then he said, char ghade Ganga Jal. Then his counterpart of Pakistan said, what you are asking? You are a Muslim country and asking for Gangajal. He said, by change of circumstances, we have changed our way of worship, but we cannot change our forefathers. So what the connection India was having across the world, ye to Indonesia hai. Aur America ke mool nivasiyon ko kya kehte hai? Red Indian, kyunki Indian ko hi khojne gaye the wahan. None of the country in the world is having such a vast influence from the far eastern side to far western side. इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत हमको पढ़ाया गया यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। तो आप खुद बोलते हैं यूनिटी का एंगल तो बताइए। आप मुझे किसी से पूछूं यूनिटी का एलिमेंट क्या है, हमें पढ़ाया नहीं जाता कभी। हमें कह दिएगा डाइवर्सिटी सुनो, डाइवर्सिटी सुनो, और डाइवर्सिटी हैज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ डिविसिविटी ऑन द इश्यू ऑफ रिलीजन, ऑन द इश्यू ऑफ कास्ट, ऑन द इश्यू ऑफ लैंग्वेज, ऑन द इश्यू ऑफ रीजन। कनेक्शन कहां है? वो कौन सा पॉइंट है जो जोड़ता है?
मैं आपको बताऊं कौन सा पॉइंट जोड़ता है। जब आप पूजा करने बैठते हैं, हाथ में जल लेते हैं, तो जल लेने के बाद पंडित कौन सा मंत्र बोलता है? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्मिन सन्निधिम कुरु। भारत की सारी नदियों का स्मरण हो गया, वो सरस्वती जो लुप्त हो चुकी, वो सिंधु जो हमारे क्षेत्र में नहीं रही, उसके साथ हम भावनात्मक दृष्टि से जुड़ गए। जब आप रामेश्वरम में जाते हैं तो 22 कुओं से स्नान करना पड़ता है, वो सब किसी न किसी तीर्थ के प्रतीक है। और जब आप रामेश्वरम के शिवलिंग के आगे दर्शन करते हैं श्रद्धा से, तो अमरनाथ से आपका संबंध स्वयं जुड़ जाता है, और सोमनाथ से भी जुड़ जाता है, मल्लिकार्जुन से भी जुड़ जाता है। तो व्हाट हैपेंड, हमने बहुत कुछ पाया और हमारे पास बहुत कुछ था, हमने बहुत कुछ खोना भी शुरू किया। एक और ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, 70 साल पहले क्या हमें समझाया जाता था कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज क्या सिखाया जाता है? ये दिल मांगे मोर। तो भाई जब हर आदमी मोर चाहेगा तो एनवायरमेंट का भी क्राइसिस, सोसाइटी का भी क्राइसिस, परिवार में भी क्राइसिस। फिर एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हो सकता कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ को उस समय युवाओं के अंदर एक जज्बा होता था कि हमें देश को बदलना है, देश के लिए कुछ बलिदान करना है। अब मैं कहूंगा जब हम लोग छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, एट दैट टाइम अगर आप किसी लड़की को आइटम गर्ल कह दें तो डिसिप्लिनरी एक्शन पक्का है। मगर आज आइटम गर्ल इज नॉट ए डेरोगेटरी वर्ड, बट बहन जी हैज बिकम ए डेरोगेटरी वर्ड। तो हम 70 साल में कहां पहुंच रहे हैं, जरा इसको भी हमें अच्छी तरह देखना होगा। वैसे आजकल काफी ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों और इन सबका आह्वान किया जा रहा है जगह जगह, नॉट गोइंग ऑन एनी पॉलिटिकल एस्पेक्ट, आई जस्ट वांट टू से, आजकल वो रामप्रसाद बिस्मिल जी की नज़्म भी बहुत बोली जा रही है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस पे एक मूवी में इसका एक सटायर बनाया गया था, वो भी बड़ा विचार करना, मेरे थॉट को हिट किया। वो कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, अरे ओ रे बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदोस्तां, देखते तो मुल्क सारा क्या टशन और थ्रिल में है। और आज का लड़का ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी आजादी तो भैया गर्लफ्रेंड के दिल में है। तो आप ये सोचिए कि हम कहां थे, कहां पहुंचे हमारे पास। फाइनली आई वुड लाइक टू से, इट इज सेड दैट वी आर द यंगेस्ट नेशन, इट इज ट्रूथ बट हाफ ट्रूथ। We are the youngest nation and the oldest civilization. And the future is that India having a signature on the God particle means we are the only country which can provide the way for God and particle both. तो अटल जी की ये पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी परिपूर्ण स्वराज्य का आह्वान किया गया था। तो सपनों को सच करने को कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें।